आज हमारे साथ हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद ये आज हरपाल बुरा जी आज दावा कर रहे हैं कल की कोई बाइक रैली निकलनी है शहर में। इस सिलसिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं हरपाल बुरा, इनसे पूछेंगे कल इनकी बाइक रैली किस मकसद से किस लिहाजे में निकाले जा रहे हैं। हरपाल बुरा जी, आपका हरियाणा पोल खोल में स्वागत है, बताइएगा कल आपकी बाइक रैली किस मकसद से निकाल रहे हो आप। मैं सबसे पहले तो मैं आपको इस चैनल को बधाई देता हूँ कि ताकि आप भगवान आपको कामयाबी प्रदान करे। और मेरा कल जो बाइक रैली निकालने का एक उद्देश्य है कि पर्यावरण के मेरा उद्देश्य, इसका एक स्लोगन है मेरा, कली नासी गरी नासी, आसी की व्यवस्था को, सफाई को साफ सुथरी करने के लिए और लोगों को पर्यावरण के बारे में, लोगों को सिंचाई के पानी में का दुरुपयोग ना करें, लोग गांव में जो पानी है, जो टूटी हुई पानी आता है वो उसकी दुरुपयोग ना करें। और ये भी जागरूक करेंगे हम, पौधारोपण भी करेंगे हम जाकर के उमरा गांव के अंदर, और पर्यावरण के बारे में लोगों को हम ज़्यादा ज़्यादा जागरूक करना चाहते हैं ताकि वो अपने अधिकारों के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में जागरूक होकर के ये हंसी शहर को क्लीन और ग्रीन बनाने के लिए, गांव को भी अपनी व्यवस्था बने ये कायम रहे, इस बात के लिए हमारा ये एक रैली, बाइक रैली निकालने का हमने ये विचार किया है। कितने के बाइक आपके इस रैली में आएंगे? मुझे आने को तो मैं दावा पता नहीं कितना करता, लोगों ने मेरे जो लिखाया है, जो मैं जहाँ जहाँ मैं इसके लिए प्रचार के लिए गांव में शहर में गया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि लगभग 2000 मोटरसाइकिल तो अवश्य रैली में 100 तौर पर, इसमें 100% इसमें हमारी रैली में शामिल होंगे। आप कितने बाइक वाले को पर्ची तेल पर्ची खर्ची दे चुके हो अब तक? ये एक आम एक राजनीति में एक विडम्बना है कि लोगों ने, मैं इससे हटके राजनीति करता हूँ, मैं एक ऐसी पार्टी में भी रहा हूँ स्टूडेंट विद्यार्थी जीवन में कि उसमें CPM उसमें सबसे पहले मीटिंग में एक पाठ पढ़ाया जाता था, जो जाति संप्रदाय धर्म में विश्वास करता है वो हमारी मीटिंग से उठकर चला जाए। मैंने 25 तारीख को 2.5 साल के मेहनत के बाद मैंने अपना अंदाज़ा ये लगाने के लिए कि मैंने क्या पाया क्या खोया है, मैंने यहाँ अपने कार्यालय का उद्घाटन करके उस स्तर पर एक मीटिंग बुलाई थी, और मीटिंग से मेरी सक्सेसफुल मीटिंग हुई। अगर वो मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होती तो मैं ये यात्रा भी नहीं निकालता। और वो उस दिन भी मैंने खुले तौर पर, आप भी शायद उस बात में शामिल थे, आप उस पत्रकार वार्ता में भी थे, उस मीटिंग में भी आप शामिल थे, मैंने साफ तौर पर यह कहा था किसी भी व्यक्ति को मैं खाना दिया, और उसको कल भी हम उनको सभी साथियों को खाना खिलाएंगे, उस दिन भी हमने खाना खिलाया, जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहाँ हम पैसा तो लगाएंगे, खर्च भी करेंगे उनके ऊपर करेंगे, लेकिन सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए और सस्ते और घटिया राजनीति करने के लिए मैंने कहता। और मेरे का आपसे सभी से अनुरोध है, मैंने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनुरोध किया है, अगर कल बाइक रैली में 2000 बाइक आएंगे वो सबको मैं पाठ तो नहीं पढ़ा सकता, किसी आप अकेले किसी आदमी के अलग अलग से आप इंटरव्यू लेना, अगर कोई आदमी ये कहे कि मेरे को तेल दिया गया है, पैसे दिए गए हैं या प्रलोभन दे के मुझे लिया गया है, मेरे जो साथी बुलाएंगे अपने खर्चे से आएंगे, वो कम आए ज़्यादा आए, और मुझे लगता है 2000 के लगभग लोग आएंगे। ये भी मैं एक ऐसी राजनीति, अगर मैं प्रलोभन दे के लिए आता तो मुझे मैं चुनाव लड़ना पड़ जाता इंडिपेंडेंट, तो मैं तो फेल हो जाऊँगा, इसलिए मैंने अपने आप का भी मुआयना करने के लिए और अपनी शक्ति का एहसास कराने के लिए भी मैं कर रहा हूँ कि इस बात का प्रलोभन देके मैं कोई काम करना नहीं चाहता, आपको मिले तो उसको खूब प्रसारित करना, और तब मैं राजनीति से संन्यास लूँगा, मैं ये घटिया और बोगस काम नहीं करता। भूले साहब, आप कई वर्षों से कांग्रेस से जुड़े हुए हो, काफ़ी दिनों सिक्री रहे हो, काफ़ी वर्षों से हर बार टिकट की रेस में आप आते हो, बहुत दौरे करते हो, लोगों के बीच जाते हो, लेकिन आइन बस पर टिकट कट जाती है, आप चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन इस बार क्या मान रहे हो? मैंने जैसे आपको बताया कि 2009 और 2014 में मैं कांग्रेस पार्टी की CID की रिपोर्ट और IB की रिपोर्ट, कांग्रेस की ऑब्जर्वर रिपोर्ट ये थी, भरपाल वो नासी से विनिंग कैंडिडेट है, उसके बाद भी मेरे को टिकट नहीं मिला, मैं पार्टी के लिए फिर भी काम करता रहा। अब मेरे साथियों ने कहा, मैंने जब इकट्ठा किया बात करी तो मैंने कहा भाई कुछ लोग दूसरी पार्टियाँ छोड़ छोड़ कर आ गए, फिर वो भाग गए, लेकिन मैंने 30 साल तक कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, 96 में चुनाव लड़ने के बाद मैंने किसी पार्टी में रोहतांग झांक नहीं करी, लेकिन सरकमस्टांसिस कंपेल्ड मी, सरकमस्टांसिस ने, यानी क्या कहेंगे इसको,
भाई इसका मुझे मैं ये कहता हूँ परिस्थितियाँ ऐसा मजबूर करेगी। कांग्रेस पार्टी का मैं टिकट का प्रबल दावेदार हूँ, मैं कांग्रेस की टिकट के लिए अप्लाई करूँगा, कांग्रेस के लिए मैं काम कर रहा हूँ, कांग्रेस का मैं मेंबर हूँ, कांग्रेस का ही प्रचार प्रसार करता हूँ। लेकिन किसी वजह से कांग्रेस पार्टी अगर मुझे टिकट नहीं देगी तो मैं नम्र निवेदन करके कांग्रेस से मैं इस प्रकार का कोई काम बनाता मैं 100% फिर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा। इस बात के लिए साथियों ने चार गामों ने जो मेरे को अधिकृत किया है उनका आदेश मानते हुए मैं चुनाव लड़ूंगा। चुनाव हर हाल में लड़ोगे जो टिकट मिलो ना मिलो? हर हाल में लड़ेंगे। जो चौगामा हमारे चार गांवों ने और जो सारी गांव ने शहर के लोगों ने जो मेरे को समर्थन और सहयोग दिया है, मैंने पौने दो साल से घूम फिर के मैंने देखा कि लोगों में इस बात का रोष है कि आज तक जितने भी MLA बने हंसी से वो अपने विकास में लगे रहे, हंसी के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूँ, मैं शोर्थ के लिए राजनीति करना चाहता हूँ और हंसी के लोगों के लिए मैं एक उदाहरण बनना चाहता हूँ कि अम्बाड़ा और नारनौल के लोग ये कहे कि MLA हो तो हंसी जैसा हो। मैं शोर्थ के लिए राजनीति करता हूँ, किसी और स्वार्थ के लिए या उनके लिए नाम तो कमाना चाहता हूँ मैं, नाम मेरा ऐसा हो कि अगर मैं किसी से जाके चाय पत्ती मंगा लिया, किसी से चीनी मंगा लिया, किसी से गुड़ मंगा लिया, किसी का पैसे ले लिए, किसी से मंत्री ले ली, उसमें आपको ना BDO सुनेगा ना कोई अफसर सुनेगा। सुनेगा तब जब आपको ये पता है लाइसेंस बनाने आपका काम जाते हो DC SP के पास और ये पता उस MLA का और उसका कि दो लाख रुपये ले रहे हैं। कोई भी पार्टी MLA कैसे वैसे कई बार आरोप लगते हैं तो उससे अफसर को भी पता होता है। लेकिन हमारा ये 10 साल का तजर्बा भी रहा है और मैंने अपने चरित्र पर कभी इस बात का दाग नहीं लगने दिया। मैं इस बात के सख्त घोर खिलाफ हूँ कि इससे तो मरना अच्छा, अपने घर बैठ जाना अच्छा है। इस तरह के घटिया काम, ये जो ना पैसे लेना और करना इस प्रकार काम, ये मुझे घटिया काम लगता है। मेरा इसकी तरफ कोई हमारे यहाँ हो, मैं अगर भगवान मुझे मौका दिया MLA बना तो मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री से, कोई भी मुख्यमंत्री बने, मैं उसके लिए अनुरोध करूँगा कि मैं इस बात के ऊपर लोगों से नाम जीत के आया हूँ कि हंसी का और गर्म है, लोग हरा पानी पीते हैं, लोग तो एक एक किलोमीटर से पैदल चलते हैं पानी लाते हैं। इन समस्याओं निदान के लिए मैं उनसे अनुरोध करूँगा और ये लड़ाई लड़ूंगा, चाहे मुझे राजनीति से मैं रिजाइन मुझे करना चाहता हूँ विधानसभा से। अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं इसको राजनीति को भी मैं अलविदा कह दूंगा या मैं इसको कर दूंगा, कोशिश करूंगा कि काम सब मुख्यमंत्री की आशीर्वाद यात्रा आनी लगी है हंसी में, किस प्रकार का आशीर्वाद? मैं तो भाजपा के नेताओं से, मुख्यमंत्री जी से मेरा एक अनुरोध है कि वो अगर हंसी के शहर में किसी एक गली में से गुजर जाते तो हंसी में जैसे उन्होंने पहले ये की थी नहीं शहर में, और हंसी में भी ये करते हैं लोग, एक सरकारी आदेश होता है कि राहगिरी, मैं कहता हूँ हंसी को राहतगिरी चाहिए। कम से कम मुख्यमंत्री महोदय इस तरफ ध्यान दे और जो लोगों के टिकटारती है जो भाजपा के उनके घर के सामने कूड़ा पड़ा है, कम से कम वो भी अगर वो कूड़ा नहीं उठवा सकते तो टिकट लेकर वो करें भी यार, कौन उनको टिकट देगा, उनको भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरपाल बुरा जिन्होंने आज ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस के टिकट मिले या ना मिले उन्होंने हंसी से चुनाव लड़ना है,